तो भाई लोग, आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन मेरा ईद का व्लॉग यहाँ शुरू नहीं होता। शुरू पहले दिन से ही हो रहा है, नमाज के बाद से। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। मेरी ईद चार फेजेस पर बेस्ड होती है। इस्लामिक रिचुअल्स अदा करना, खाना पीना, मिलना मिलाना और बोरियत का रोना रोना। ये वाला व्लॉग इन चारों चीज़ों पर बेस्ड होगा, लेकिन सब मिक्सड अप होगा। और मास्क लेने का मकसद आप सब लोग बखूबी जानते हैं। ये वाली ईद कुछ ज़्यादा स्पेशल जो है भाई। बस फिर शुरू करते हैं। बल्कि नहीं, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ईद गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे अब व्लॉग का याद आ रहा है। देखो भाई, आपको मैंने पहले भी बताया, मेरा सिंपल सा रूल है, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना। और ईद गुजरे और ईद का व्लॉग डाला जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है सबके? ईद शुरू हो गई है, गुजारते हैं। छोले चावल, मतलब चने कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है स्पेशल लफ्ज़, तो छोले कहते हैं। तो छोले चावल लेने आए थे, लेकिन चुप करके शुरू हो, आगे बोल। ये मुझे नहीं बोले, ये मुझे नहीं बोलने देगा। तो छोले चावल लेने आए थे, मगर दुकान बंद है, क्या कर सकते हैं, चक्कर पड़ा है, वापस जाएंगे। मैं बताऊँ क्या कर सकते हैं? हाँ बताओ, आप बताओ। कैमरा बंद करो, बताता हूँ आपको। यार वो लॉक बाद में ना, पहले ईद तो मिल ले यार। हाँ भाई, मज़े आ रहे हैं। हाँ अहमद, क्या मसला है आपको? ओह अहमद, तो लो यार, बार बंदा बैठा रहा है। तो ले जा बोतल, दो ना डाल के दो। ग्लास कोई नहीं खाली तो फिर? ओह फिर क्या, ग्लास दो भाई। चल 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 चल, ये तो इससे ज्यादा और क्या मिलेगा। क्या एंट्री मारी तूने मेरे व्लॉग, साबित कर दे कि भाई तू रिश्ते के काबिल है। भाई बाकियों की ईद का तो पता नहीं, हम तीनों की ईद मिठाई से गए बगैर तो पूरी नहीं होती। मतलब ईद शुरू हुई और आपने मिठाई पे हल्ला बोलना। तो पहले सुनूंगी ये। हाँ ये देखो, यहाँ बर्फी है। बर्फी पकी वाला बर्फी है, मत गुलाब जामुन खुलना चाहिए, मैं तुझे बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये बर्फी है, ये गुलाब जामुन। अब ये अगर निकली बर्फी तो ये आप तेरी खैर नहीं है। साइडों से बोल। ओह उल्टा हो गया, ये तो आपने गलत काम किया। देखो अहमद जज्बाती आदमी, इतना बड़ा हैंड हो गया। कितना बड़ा? वो तभी हो गया था जब तू हो गया था, ठीक है ना? तो दरअसल हुआ, दरअसल हुआ ये है यार, मैंने बोलते रहना बंद कर दो। कुछ क्या देना है? दरअसल हुआ ये है कि दोनों बर्फियां निकल आई हैं। तो जब हमें अंदाज़ा हुआ कि मिठाई में गुलाब जामुन वाली स्कीम नहीं है, तो हमने चना चाट का रुख किया। और ये भी उन्हीं खानों में से एक खाने वाली स्कीम है, लेकिन इसके बारे में मैं बताने नहीं लगा। इसके बारे में फिर किसी और ब्लॉग में बताऊंगा। बाकी का पूरा दिन ईदियाँ इकट्ठी करने में गुजर गया।
सो कुछ रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला। यानी क्या इस्त्री कर रहा हूँ, ये क्या है? मैं भी कहूँ शर-शर की आवाज नहीं आ रही। होता है कभी कभी, जल्दी कर रहा हूँ। चल बढ़िया, मेहरबानी। आज के दिन का अहम काम है साईं जी की तरफ जाना और सारे ईद मुबारक वाले मैसेजेस का रिप्लाई करना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तैयार हो गया हूँ, साईं जी की तरफ जाना है। जाने का टाइम था 2 बजे, लेकिन अभी 2:30 हो रहे हैं, हम लेट। लेट होने की वजह ये है। और साईं जी एक बात पूछनी थी, ये सलवार में नाला कैसे डालते हैं? एक होता है दांतों वाला ब्रश। अच्छा, 70-80 रुपए का मिलता है, पहले उसे लेते हैं, उसे करते हैं दांत साफ। अच्छा, 2-3 महीने बाद वो उससे भी खराब हालत में हो जाता है, फिर उससे करते हैं बालों को कलर। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद जब उसकी और भी हालत खराब हो जाती है, फिर वो होता है जालियां साफ करने के लिए। साईं जी मैंने नाला डाला है सलवार में। हाँ जी, मैंने नाला डाला है सलवार में। अच्छा, फिर जब वो उससे भी हालत उसकी खराब हो जाती है, फिर उसको ऊपर से तोड़ के खराब करके उसमें रबर डालकर वो नाला डालने के इस्तेमाल आता है। वाह, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कितनी अहमकाना हरकत किया नाले वाली, लेकिन यकीन जाने ये हरकत मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी अच्छे से मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मैं पहनूं और गिरा खुल जाए, फिर आज वो भी डर खत्म हो गया। ईद मुबारक लाला। ईद मुबारक जी आपको भी। शुक्रिया। ईद कैसे गुजरी आपकी? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी, आप अपनी ईद का बताएं। मेरी ईद तो सारा दिन घर में रह गया। आपके कहने के मुताबिक ईद हो गई अगले दिन? हाँ जी, मैंने कहा था ना कि कर देंगे सोजे के साथ, हो गई है। आपकी हाई कमांड के साथ लगता है बातचीत है कोई? बातचीत, मीटिंग हुई थी ना हमारी। अच्छा। मुझे बस आज तक एक बात समझ नहीं आई, पता नहीं ये लोग ईद पर बोर कैसे होते हैं। ये देखो सोए हुए हैं। सॉरी, ईद मुबारक साईं जी, गुड मॉर्निंग। ये देखें 3 बज रहे हैं और इनकी ईद नहीं हो रही। ओ सुबह नहीं हो रही, सॉरी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या ईद मुबारक साईं जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? अभी अभी आए हैं जस्ट। कैसे हैं जी सब? ठीक हैं, सब प्यारे हैं। आपसे तो हमारा भाई। यहाँ पर मैंने डिस्कवर की नई फूड्स, ये कटलस, ये हलवा, ये केक और वो कबाब नुमा चीज़ें, ये सारी बनाई थी दही बल्लों के अलावा चाचू ने, जो दुबई से आए हैं उन्होंने, वो वहीं से सीख कर आए थे। ठीक है, इनमें हमने चीज़ें ईदी देनी है बच्चों को और हर इसमें मुख्तलिफ है। अब जिसके जो नसीब में आएगा और जो डिब्बा जिसके पास होगा, एक्सचेंज करना चाहे जैसे करना चाहे वैसे करेंगे। अब देखते हैं किसकी किस्मत में क्या है, किसी में पैसे हैं, किसी में कोई और। बात हो ईद की और चाचू की तरफ से ईदी हमें आसानी से मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पिछले 3-4 सालों से हमें आज तक कभी भी ईदी आसानी से नहीं मिली, मतलब ईदी मिलती नहीं है, आपको ईदी लेनी पड़ती है। ये रूल मैंने सीख लिया, आप भी इम्प्लीमेंट करें। ईदी मिलती नहीं है, आपको ईदी लेनी पड़ती है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें अभी साईं जी ने जीतो पाकिस्तान शुरू किया है अपना, बल्कि ईदी जीत, हाँ ये ईदी जीतो शुरू किया है। ऐसे मिल जाए ईदी, उसका क्या मजा, कैसे ले लो ये लो ये ईदी, ऐसे नहीं होता होता। अब इसमें से डिब्बे में जो जिसका निकलेगा वो उसका ही नाम। फाइनली गेम हो चुकी है और भाई ने मैक्सिमम पैसे जितने मारे जा सकते थे ना ईदी के, मार लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब एक्सपर्ट हो गया इस गेम का। सो फीलिंग रिच विद 29 अदर्स। तो भाई लोग यहाँ से स्टार्ट लिया था इस रूम से, तब तो खैर इतना कुछ नहीं था यहाँ पे, अब ये काफ़ी आगे जा चुका है। सो और भी आगे लेके जाएंगे। तो इधर से भाई ने स्टार्ट किया था, ये इस कोने में, ये पीछे भी तो जगह नहीं है, फोम वगैरह पड़ा,
इसको ने बैठ के पहली वीडियो बनाई थी, और ये जो पंखे की आवाज़ आ रही होगी वीडियो के दौरान, उसके लिए माजरत। एक स्टैंड मेरे पास और दूसरा साईं जी के पास। लाला परेशान है कि भाई ये ईद मिलने आए हैं या व्लॉग बनाने आए हैं। फिर हम वापस आ गए, लेकिन बहुत चास आई वापसी पर। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि आज का इंसान कितना काबिल रहम है, जो मौके सही तरह चेरिश करने वाले होते हैं उनको फजूल सी बोरियत वाले ट्वीट्स करने में ज़ाया कर देता है, और फिर कहता है हमें तो फील ही नहीं आई। तो भाई जान, फाइनली अच्छा खासा इंजॉयमेंट करके अब हम घर की तरफ इन रोड टू होम। तो जाकर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो दिन शुरू है, तकरीबन शुरू है, सो काफ़ी कुछ आगे है करने को। अभी हमारे आधे से ज़्यादा कज़न नहीं हैं, मतलब दो फैमिलीज हैं, बाकी सारे सीन से गायब हैं, तो वरना काफ़ी क्रेजी सीन हो जाना था। खैर अभी इन्हीं के साथ क्रेजी सीन करना जो है। ये वो गैंग है जिसका जिक्र कर रहा था, ये उस्मान है, ये उसका छोटा भाई रिजवान, इसको तो आप जानते हैं, चल है अब्दुल रहमान, ये हाँ यो अहमद, ये है यो अहमद चौधरी, यो अहमद, ये जुगाड़ था, मैं इसी गैंग का जिक्र कर रहा था। कल क्रेजी सीन होने वाले हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, जितना वेला टाइम मैंने आज गुजारा है, इससे ज़्यादा यूज़फुल टाइम तो मैं क्वारंटाइन में गुजार लेता हूँ। खैर रात तक मेरे जो इरादा था वो सुबह क्रेजी सीन्स का था, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया पिछले व्लॉग में कि मेरे प्लान्स यूँ बनते हैं और यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं, और यूँ ही उनके जगह नए प्लान्स भी आ जाते हैं। सो आज सिर्फ एडिटिंग की है और बस, उसके अलावा सोया हूँ, प्लान कैंसिल किए सारे। अभी काम पर थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, थोड़े इक्विपमेंट्स पूरे करने हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं वो लेनी है। मैं ईद के तीसरे दिन व्लॉगिंग का सामान लेने इसलिए निकला था क्योंकि मुझे खदशा था कि ईद के बाद मुल्क में लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। खैर चीज़ें तो मैंने ले ली थी। इस पूरी ईद जो बात मेरे जहन पर सवार रही वो यही थी कि क्या हमें यह त्यौहार इसलिए मिले थे कि हम सोशल मीडिया पर अपनी बोरियत का रोना रोएं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये सारे ट्रेंड्स उन लोगों की तरफ से चलाए जाते हैं जिनका अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ही फ्लॉप होता है। मतलब यही तो मौके होते हैं चेरिश करने के, बैठने के, मिलने के, और अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के। अब जिन लोगों को त्यौहारों के नाम से सिर्फ बोरियत याद आती है, उनके साथ आप दो तरह की स्कीमें चला सकते हैं, या तो आप उन्हें बोर होने दें, या फिर उन्हें इतना हाई फील कराएं कि बोरियत का नामो निशान ना रहे, वरना तीसरी स्कीम वो लोग आपके साथ चलाएंगे, और वो ये कि अपने बोरियत के रोने से और लो वाइब्स की वजह से आपके इन स्पेशल ओकेजन्स को भी ख़राब कर देंगे। सो मेरी मानो तो पहले वाली दो स्कीमें चलाओ या फिर इग्नोर करो। अब क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत मीन हूँ, लेकिन लो फील करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, एटलीस्ट फॉर मी। तो भाईजान ईद यहाँ पे ख़त्म होती है, एक फिल्म रह गई देखने वाली, वो देखूँगा, ये व्लॉग एडिट करना है और अपलोड करना है इसे। अब्दुलरहमान तुम इन आलूओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार मैं ये कहना चाहूँगा ईद हो और आलू चाट ना हो तो वो ईद नहीं होती। अच्छा ईद नहीं होती, ईद पे होता है यार, ईद खाने के लिए, और किसी चीज़ के लिए होती है? तुम्हारी ईद खाने के लिए होती है यार, ऑफ कोर्स ऐसी बात है, मेरे इतना रोजे रखे हैं, इतना अपने मुंह को। अच्छा तुम भूखे रहे हो, तुम खाना खाने के लिए भूखा रहे हो पूरा रमजान? खाने के लिए क्यों, खाने के कट कर कट कर कट कर बच्चा स्ट्रक हो गया कट कट कर कट कर